नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। गांधी भवन पर बापू की प्रतिमा पर मेयर और कलेक्टर ने पहनाई माला, श्रद्धांजलि देकर किया याद, बापू के मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। जैसा कि सबको ज्ञात है कि आज महात्मा गांधी की जयंती है, इस मौके पर आज सुबह से ही आम नागरिक और जन प्रतिनिधियों का आना लगा है। आज कलेक्टर आरती डोगरा ने गांधी भवन पर रिबन काटकर बापू की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धा भाव से श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मेयर धर्मेंद्र गहलोत, निगम कमिश्नर हिमांशु गुप्ता व कई अधिकारी और बालिकाएं उपस्थित थी। मेयर गहलोत ने कहा कि आज सभी ने बापू के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। नगर निगम परिवार की ओर से यहाँ पे अर्पित किए गए और जिस प्रकार से आप यहाँ पे देखा, नगर निगम के द्वारा इनोवेशन का यहाँ पे काम किया गया है। इस सर्किल को थोड़ा सा पीछे खिसका गया, पीछे खिसका के ट्रैफिक की जो समस्या थी यहाँ पे, इसका निजात होगा। जैसे पेपर रोड बन जाएगा, ये सुलभ शौचालय और पीछे गांधी भवन के पीछे डबल स्टोर में सुलभ शौचालय बना रहे हैं, और जैसे कम्प्लीट होगा तब इसका भी हम हल निकालेंगे। तो निश्चित रूप से ट्रैफिक की भी बढ़िया नहीं हुई यहाँ पे गांधी जी की जयंती पर। आज यहाँ पे नगर निगम की ओर से शहरवासियों को समर्पित किया गया है। यहाँ आकर्षक लाइट लगाई गई है, फाउंटेन लगाए गए हैं, तो यहाँ पर एक अलग ही आकर्षण इस बात का पैदा करेंगे। गांधी जी की जयंती में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश को स्वच्छता का नारा दिया, स्वच्छता अभियान पखवाड़ा भी उनके माध्यम से और उनके जो बताई भी रहा है, उसके अनुसार हम अजमेर शहर में सफाई व्यवस्था में भी दिन प्रतिदिन सुधार लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते संकल्प लेते हैं कि जो उन्होंने मार्ग बताया उस पर चलने का प्रयास करेंगे। अजमेर में आयोजित हुआ 5 सितारा विद्यालय सम्मान समारोह, बड़ी संख्या में मंत्री देवनानी ने शिक्षकों को भी करा सम्मानित, कक्षा कक्षों का लोकार्पण भी हुआ। आज राज्य के केंद्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, मेयर धर्मेंद्र गहलोत और पार्षद भागीरथ जोशी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। सबसे पहले सम्मान समारोह में आज संभाग स्तरीय शिक्षक समारोह आयोजित हुआ, फिर जिला स्तरीय शिक्षक समारोह जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसके पश्चात सितारा विद्यालय सम्मान समारोह और इसके पश्चात मंत्री देवनानी और मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने 3 नई कक्षाओं का लोकार्पण और भारत दर्शन गलियारे का उद्घाटन भी किया। गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अवसर पर आज स्कूल शिक्षा में आज सब ब्लॉकों पे शिक्षकों का सम्मान समारोह हो रहा है। 5 सितंबर को हमने राज्य स्तरीय किया और आज ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह हो रहा है। अजमेर में भी यहाँ 5 संभाग स्तर पर, 12 जिला स्तरीय पर शिक्षक सम्मान समारोह हुआ। आज के अंदर हमारे स्कूल श्रेष्ठतम बने, फिर हमने गत वर्ष से एक स्टार 5 स्टार 3 स्टार स्कूलों को बनाना शुरू किया। अब हमें खुशी है कि राजस्थान के अंदर 2,500 स्कूल 5 स्टार स्कूल घोषित हुए हैं। अजमेर ज़िले में भी 99 स्कूलों को 5 स्टार घोषित किया है। साथ में आज सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, जो हमारा एक सोच था कि प्रत्येक स्कूल में भारत दर्शन गलियारा बनाएंगे, आज स्कूल में भारत दर्शन गलियारे का भी हमने उद्घाटन किया है और उसके कक्षों का भी उद्घाटन किया है। तो शिक्षा राजस्थान में नित नए नवाचारों के माध्यम से नए नए आयाम छूते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जब 2600 नंबर से 2 नंबर पर आए, हम निश्चित रूप से इन आयामों के साथ आगे बढ़ते हुए पहले स्थान पर हम पहुँचेंगे। सारे शिक्षक अपने लगन के साथ, मेहनत के साथ जो इस प्रकार का आगे बढ़ रहे हैं और शिक्षा विभाग में इनका सम्मान करने में कहीं भी पीछे नहीं है। हमने 1,27,000 शिक्षकों को प्रमोशन दिया है और उसके साथ नए इनके प्रमोशन में केवल सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और नहीं, डीओज में भी प्रमोशन करके राजस्थान के अंदर जो समय में केवल 44 डीओ कार्यरत थे और आज 453 डीओ शिक्षा जगत में हो गए। हर ब्लॉक लेवल पर डीओ का पद सृजित करके और हर पंचायत में पीओ का पद बना करके हमने शिक्षा की गुणवत्ता और मॉनिटरिंग का जो सुधार किया है, उसका परिणाम यह है कि आज लगातार हम शिक्षा जगत में बच्चों के एक नव निर्माण में, बच्चों के जीवन को संवारने में हम सब शिक्षक एक टीम के रूप में जुटे हैं। युवा व वीर बालिकाओं ने किया हैरत अंगेज प्रदर्शन, आर्य समाज के 96वें वार्षिक उत्सव पर निकाली शोभा यात्रा। आर्य समाज ब्यावर आर्य समाज के 96वें वार्षिकोत्सव का विशाल शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम 2 से 5 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। आर्य समाज के प्रधान इंद्रदेव आर्य ने बताया कि 4 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम में यज्ञ अनुष्ठान प्रवचन सहित विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। शुक्रवार सुबह 7 बजे से झंडारोहण के साथ वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ होगा।
सवेरे 8 बजे आर्य समाज भवन से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा आर्य समाज मंदिर से रवाना होते हुए चाक गेट, लोहारन, चौपड़, पाली बाजार, एकता सर्किल, अजमेरी गेट से महावीर बाजार, तोलियान, चौपड़, मालियान, चौपड़ होती हुई आर्य समाज भवन पहुंची। शोभा यात्रा का रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में शहर की बालिकाओं ने तलवार, कटार, लाठी आदि चलाकर प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम प्रदर्शन में अनेक बालिकाओं ने भाग लिया। इसी तरह आर्य समाज व्यायामशाला के आर्य युवाओं ने बाइक स्टंट युवाओं की छाती पर बाइक चलाकर हैरत अंगेज प्रदर्शन किए। शोभा यात्रा में गोदावरी स्कूल दयानंद आर्य बालिका महाविद्यालय के छात्रों ने भाग लिया। ENM कर्मचारी ने किया प्रदर्शन, 11 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन, मानव श्रृंखला बनाकर जताया रोष। राजस्थान राज्य LHV ANM एसोसिएशन के बैनर तले 11 सत्री मांगों को लेकर आज ANM कर्मियों ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद ANM कर्मचारी ने सूचना केंद्र चौराहा रैली निकालकर मानव श्रृंखला भी बनाई। इस दौरान कर्मचारी ने जमकर प्रदर्शन भी किया। रैली जिला कलेक्ट्रेट से शुरू होकर रेलवे स्टेशन चौराहा और कोलप्याऊ चौराहा होते हुए सूचना केंद्र पहुंची। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष नूपुर राव ने कहा कि पिछले कई माह से हम अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शनित है, जिसके तहत हम 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है कि लेवल 8 से लेवल 10 में किया जाए, नई भर्ती करने में 3000 की जनसंख्या है पर एक ANM की नियुक्ति की जाए, जिससे कि मरीजों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अभी 20,000 की जनसंख्या में एक ही ANM नियुक्त है, जिसके कारण उसका कार्यभार भी बढ़ रहा है। इसके विरोध में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने आज कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और सब राजस्थान राज्य ANM LHV एसोसिएशन के द्वारा यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सब ANM LHV 27 तारीख से सामूहिक हड़ताल कर रहे हैं। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो 11 सूत्री मांगे हैं उन पर अमल किया जाए और उसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए और उसका निस्तारण किया जाए। इस मांगों में हमारा पहली मांग है कि ANM को लेवल 10 और LHV को लेवल 11 में रखा जाए और न्यू पेंशन स्कीम बंद करके पुरानी पेंशन लागू की जाए और वेतन विसंगति एवं एरियर की समस्याओं को दूर किया जाए। 3000 से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जो हमारी सब सेंटर्स हैं या CSC PSC हैं वहाँ पर अतिरिक्त स्टाफ लगाया जाए। आज हम यहाँ से रैली निकालेंगे, सूचना केंद्र कलेक्ट्री से रैली निकालेंगे सूचना केंद्र तक और सूचना केंद्र पर हम महिला मानव श्रृंखला बनाकर और इसका प्रदर्शन करेंगे और फिर वापस हम यहीं आएंगे। अजमेर की ANM श्री क्या कलेक्ट्री पर प्रदर्शन, 11 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। राजस्थान राज्य LHV ANM एसोसिएशन के बैनर तले 11 सूत्री मांगों को लेकर आज ANM कर्मियों ने कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि पिछले कई माह से हम अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शनित हैं, जिसके तहत हम 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग लेवल 8 से लेवल 10 में किया जाए, नई भर्ती करने 3000 की जनसंख्या पर एक ANM की नियुक्ति की जाए, जिससे कि मरीजों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अभी 20,000 की जनसंख्या पर एक ANM नियुक्त है, जिसके कारण उसका कार्यभार भी बढ़ रहा है। इसके तहत इसके विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हमारे संगठन का नाम है ANM और LHV सब एसोसिएशन। हम लोग 27 तारीख से कंटिन्यूस हड़ताल पर हैं। सारे अजमेर के 8 ब्लॉक हड़ताल पर है और हमारी निम्न अजमेर पूरे अजमेर जिले की ANM और LHV हड़ताल पर है और हमारी सारी ये मांगे हैं, ग्रेड पे लेवल 3600 से 4200, वेतन कटौती वापस ले, पुराने पेंशन लागू करें और नियमित भर्ती पूरी करें, प्रमोशन नीति लागू करें, हम एक टाइम हॉस्पिटल का एक टाइम करें 9 से 3 बजे तक। ये हम सबका हमारा कहना है और ये हमारा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम है श्रीमती मंजू पवार। आप किस पद पर हो? मैं ANM पद पर हूँ। भाजपा जनों ने मनाई लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया याद, बताया प्रेरणा दे नेता। भाजपा जनों ने आज लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माला और फूल अर्पित कर साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि श्रद्धा भाव के साथ दी। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, मेयर धर्मेंद्र गहलोत व कई अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने फूल माला अर्पित कर प्रतिमा स्थान पर जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए। मंत्री देवनानी ने कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री जिसने युद्ध में पाकिस्तान को हराया वे एक प्रेरणा दे नेता थे, जिनके मार्गों पर हमें सबको चलने का संकल्प लेना चाहिए। देश के सबसे यशस्वी तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती है और शास्त्री जी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ युद्ध में जीत प्राप्त की थी, ऐसे गरीब घर में पैदा हुए प्रधानमंत्री के लेवल तक पहुँचे, ऐसे
महान पुरुष की आज जयंती है। हम सब ने मिलकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्होंने जिस प्रकार से नारा दिया था जय जवान जय किसान, वह आज भी उतना ही सामयिक है जो उस समय था। किसानों के समस्या को लेकर के सब लोग उसमें उसके बाद आगे बढ़े, किसानों की चिंता होने लगी और आज भी उनके जीवन से हम सब लोग प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें और उनके जिस प्रकार का व्यक्तित्व तो था वह आज भी हम सबके लिए प्रेरणादायक है। शास्त्री जी की जयंती पर यहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ है। निश्चित रूप से ऐसे प्रेरणा पुरुष देने वाले जिन्होंने प्रधानमंत्री रहे देश के, और एक समय की घटना याद दिलाता हूँ मैं कि जब एक एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, तो उन्होंने व्यक्तिगत जिम्मेवारी लेकर भी उस पर से इस्तीफा देने का काम किया था। तो निश्चित रूप से जो राजनीति में बहुत ऊँचाइयों को प्राप्त किए हुए थे, इनके मार्गदर्शन पर चलना, राजनीतिक जीवन में इनको दिखाए हुए मार्ग पर चलने का हम प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हमने जो आज श्रद्धांजलि व्यक्त की है कि इनके बताए हुए रास्ते पर अजमेर शहर और देश तरक्की करें। इसलपुर का पानी जयपुर में देने के विरोध में डॉक्टर राकेश शिवासी ने अपनाया गांधीवादी तरीका। गांधी भवन पर कर रहे हैं एक दिन का निर्जला उपवास। लोगों से भी की इस मामले में अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज करवाने की अपील। सूत्र के मुताबिक बीसलपुर का पानी अब जयपुर में भी सप्लाई किया जा रहा है, जिसका विरोध कई संगठनों द्वारा दर्ज करवाया जा रहा है। पर आज एक अजमेर के आम नागरिक डॉक्टर राकेश शिवासिया ने गांधीवादी तरीका अपनाते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। डॉक्टर राकेश शिवासिया ने गांधी भवन पर एक दिन का निर्जला उपवास पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जो हक अजमेर का है वो उसे मिलना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले एक डेढ़ महीने से अजमेर में 72 घंटों में पानी की सप्लाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इस साल बारिश अच्छी नहीं होने से बीसलपुर में पानी की कमी आ गई है। डॉक्टर राकेश शिवासी ने कहा कि सभी जनता अपने अपने तरीके से इसका विरोध करें, क्योंकि अजमेर बंद कराने से कुछ नहीं होगा, केवल आर्थिक नुकसान होगा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उनको शत शत नमन करते हुए मैं डॉक्टर राकेश शिवासिया अजमेर की पानी की समस्या, जिसमें बीसलपुर का पानी जयपुर दिया जा रहा है, उसके विरोध में एक दिवसीय निर्जल उपवास पर प्रातः 9 से शाम 5 बजे तक गांधी जी के चरणों में बैठा हूँ। ये कदम इसलिए, कई लोगों ने कहा कि हमें इसका विरोध के लिए अजमेर बंद करना चाहिए। बंद किसी समस्या का समाधान नहीं है। बंद से हमारे ही भाइयों को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान होता है। उसी से बचने के लिए मैंने गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए, अपने को कष्ट देते हुए विरोध का ये तरीका अपनाया है। और इस दौरान ना मैं कोई अन्न जल दोनों का सेवन नहीं करूँगा। और मेरा ये सभी लोगों से, अजमेर वासियों से निवेदन है कि वो अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज कराए, जिससे कि अजमेर का पानी जयपुर ना जाए और अजमेर के लोगों का जो हक है उस हक की लड़ाई में एक दूसरे का सहयोग करें। आपका नाम? डॉक्टर राकेश शिवासिया। नगर निगम में गांधी जयंती पर प्रतिमा पर अर्पित किए फूल। निगम के सभी कर्मचारियों ने दी श्रद्धांजलि। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में देंगे अपना योगदान। गांधी जयंती के मौके पर निगम में लगी प्रतिमा पर सभी ने बापू को फूल और माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मेयर धर्मेंद्र गहलोत, कमिश्नर हिमांशु गुप्ता भी उपस्थित थे। मेयर गहलोत ने कहा कि स्वच्छता महात्मा गांधी का सपना था, उसी सपने को साकार करने में देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, इसलिए उनके द्वारा स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई और हम सब भी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। गांधी जी की जयंती है, इस पर अपनी श्रद्धांजलि को यहाँ पर व्यक्त करना है। निश्चित रूप से जो गांधी जी ने रास्ता बताया, इस रास्ते पे मूल काम में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अभी शहर स्वस्थ रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, भारत स्वस्थ रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। निश्चित रूप से इन्होंने इस बात की, गांधी जी ने एक बहुत लंबे समय तक लड़ाई भी लड़ी है और जागरूकता भी पैदा की है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, तो इनके पे आज स्वच्छता पखवाड़े का भी है। निश्चित रूप से हम इनके बताए हुए रास्ते पर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत हमने गांधी भवन पर गांधी जी की मूर्ति का भी, उसका सर्किल का रिनोवेशंस का काम किया कि एक तो रोड भी चौड़ा हो गया, वहाँ पर फाउंटेन भी लगाए, आकर्षक लाइट भी लगाई है, गार्डन भी वहाँ पर लगाया। निश्चित रूप से वो एक अच्छा दर्शनीय स्थान और बन गया है। तो मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ गांधी जी की जयंती पे और इनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। निगम में भी? बिल्कुल, निगम पे भी जैसे गांधी जी की मूर्ति कैंपस में लगी हुई है, तो इनका यहाँ भी माल्यार्पण कर किया गया। कन्या महाविद्यालय में रक्तदान कर बापू को दी श्रद्धांजलि। बड़ी संख्या में छात्रों ने बढ़ चढ़ किया रक्तदान। लॉयंस क्लब वेस्ट ने दिया सहयोग। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के मौके पर राजकीय कन्या महाविद्यालय में महाविद्यालय द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लॉयंस क्लब ने अपना पूरा सहयोग दिया। ये शिविर हर साल आयोजित किया जाता है। शिविर में बड़ी संख्या में छात्रों ने रक्तदान किया, साथ ही लॉयंस क्लब व कार्यकर्ताओं द्वारा भी रक्तदान किया गया। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
जी की 150वीं जयंती के अवसर पर और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर महाविद्यालय द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया है, रक्तदान शिविर का, जिसमें हम गत वर्षों से कार्य पुनीत कार्य में हमारा सहयोग रहता है। पिछले साल भी लगभग 82 छात्राओं के द्वारा जो है रक्तदान किया गया था और इस बार हमें उम्मीद है कि कम से कम 100 छात्राओं को हम मोटिवेट करें कि वो रक्तदान करें। एक ऐसा रक्तदान एक ऐसा पुनीत कार्य है जिससे बहुत सारे लोगों का जीवन बच जाता है। हमने आज श्री सोमनाथ जी सोमरतन जी आर्य साहब को बुलाया है यहाँ पर, जो खुद एक बहुत बड़े रक्तदाता हैं, जो 72 बार रक्तदान कर चुके हैं, वो आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत विकास परिषद को, जिनके सबल प्रयत्नों से हमें बहुत सहायता मिलती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लॉयंस क्लब वेस्ट को, जिनके वॉलंटियर्स यहाँ आए और बच्चियों को मोटिवेट कर रहे हैं, और सभी को धन्यवाद। यहाँ पर हमारे पास भगवंत विश्वविद्यालय के भी कुछ बच्चियों का है और 10 जो अजमेर के विश्व कॉलेज हैं वो 10 कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे इस पुनीत कार्य को। उमेश भारती, आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और साथ ही भारत के शेर लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। इस जयंती के उपलक्ष्य में राजकीय कन्या महाविद्यालय के अंदर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैं रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाले कन्या विद्यालय के महाविद्यालय के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी और प्रिंसिपल महोदय को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस पुनीत कार्य के अंदर भारत विकास परिषद युवा शाखा और लॉयंस क्लब अजमेर वेस्ट ने अपना पूरा सहयोग दिया है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जिस तरह से उनके साथी, उनके सदस्य, उनके पदाधिकारी इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने के अंदर अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उन सबको इसके लिए बहुत बहुत आभार और उनको बधाई। साथ ही बधाई उन छात्राओं को जो बढ़ चढ़ करके आज रक्तदान कर रही हैं। छात्राओं में रक्तदान की जागृति आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं कह सकता हूँ कि महात्मा दयानंद को माफ़ी चाहूँगा, महात्मा गांधी जी को अगर कोई सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है तो रक्तदान करके आज यहाँ पर रक्तदाता दे रहे हैं। सेवा दल ने अंबेडकर सर्किल की गली सफाई का भाजपा करती है स्वच्छता का नाटक, एडीबी नहीं देती सफाई पर ध्यान। आज गांधी जयंती और लाल बहादुर जयंती के मौके पर सेवा दल ने अंबेडकर सर्किल को साफ किया। सभी कार्यकर्ताओं ने हाथों में झाड़ू लिया, सर्किल से कचरा साफ किया, साथ ही बाबा अंबेडकर की प्रतिमा को भी साफ किया गया। सेवा दल के अध्यक्ष देशराज मेहरा ने कहा कि भाजपा केवल हाथों में झाड़ू लिए सफाई का ढोंग करती है और एडीबी सफाई का ध्यान नहीं देता। शहर कांग्रेस सेवा दल की ओर से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी देसाई व प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश पारिख जी के आदेश अनुसार पूरे राजस्थान में आज कांग्रेस सेवादल सफाई अभियान की शुरुआत कर रहा है, क्योंकि ये भाजपा सरकार केवल मात्र दिखावा कर रही है, केवल मात्र झाड़ू हाथ में पकड़ के दिखावा करती है। इसलिए सेवादल ने एक्चुअल कार्य करने के लिए आज अजमेर शहर का बस स्टैंड सर्किल की सफाई का निर्णय लिया है। आज इस सर्किल की पूरी सफाई की जाएगी पूरी तरह से। कांग्रेस सेवा दल अब एक धरातल का कार्य करेगा, साथ ही आगामी चुनाव में इस भाजपा सरकार को बेनकाब करेगी, क्योंकि ये देखिए ये UIT का सर्किल है और इसकी दुर्दशा आपने देखी है। आज तक UIT कभी शुद्ध नहीं लेती है, ADA नहीं चेयरमैन को 10 बार पत्र दे चुके, लेकिन किसी तरह की साफ सफाई नहीं, न पेड़ पौधों की कटाई करवाता है न सफाई करवाता है। इसलिए हम उनको ये आईना दिखाने के लिए कहा, अब हम स्वयं बाबा किसी भी महापुरुषों को अपमानित नहीं होने देंगे और हम स्वयं सफाई का निर्णय हमने किया है। जिला मुख्य संगठक एडवोकेट देशराज मेरा। विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर, 6वां विशाल रक्तदान शिविर की शुरुआत, बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी भीलवाड़ा के संरक्षण और भीलवाड़ा डेयरी के चेयरमैन पूर्व मंत्री रामलाल जाट व पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल के नेतृत्व में हर वर्ष राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर रामद्वारा में रक्तदान शिविर की शुरुआत संतों के आशीर्वाद से हुई। रक्त शिविर में रक्त संग्रहण में 5 टीमों ने शिविर में SMS ट्रोमा सेंटर हॉस्पिटल जयपुर, पैसिफिक हॉस्पिटल उदयपुर, रामस्नेही हॉस्पिटल, अरियंत हॉस्पिटल, महात्मा गांधी हॉस्पिटल भीलवाड़ा आदि ब्लड बैंक की टीमें शिविर में सहयोग दे रही है। हर वर्ष की भांति इस साल भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश ही नहीं दुनिया को एक संदेश दिया, उन महापुरुषों की इस पर्व जयंती पे हमने ये ब्लड डोनेशन का कैंप जो रखा है विजिन इंडिया, इसमें ओम जी नारायणीवाल साहब, हमारे शांतिलाल पाड़िया जी और संदर्भ गाडरी जी और हमारे और भी कई कमेटी के लोग हैं, इन सब लोगों ने मिलकर हर साल हम साल में 2 बार 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पे, उस समय गर्मियों में खून की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, ये 2 अक्टूबर को SMS की टीम है, ट्रॉमा हॉस्पिटल उदयपुर की टीम है, गीतांजलि हॉस्पिटल की, और यहाँ अरियंत हॉस्पिटल है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल है, रामसनी हॉस्पिटल है, इन सब हॉस्पिटलों के सहयोग से, और यहाँ के दानदाता हैं जो स्वेच्छा से है लोग मदद करते हैं, कोई जैसे जसराज भाई कोई फ्रूट ला रहा, कोई क्या ला रहा, और ऐसे दानदाता जो साइलेंट रह के जो इस काम को करवाते हैं। हमारा तो ये ताकत जो है जो राजनीतिक ताकत को हमने एक सामाजिक में बदलने का काम किया है, जिसमें राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर इन दोनों प्रोग्रामों को हम ये विजन इंडिया कर रही है, तो बहुत अच्छा हर साल बढ़ोतरी हो रही है। दीन दुखी लोग हैं या जो जिनका कोई वारिस समय पर नहीं आ पाता, उससे पहले ही ब्लड की व्यवस्था इस विजन इंडिया के माध्यम से की जा रही है, बहुत अच्छी शुरुआत की है। भगवान से प्रार्थना करूँ कि लंबी बढ़ती रहे, हमेशा ये चेन जुड़ी रहे, इसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। कितना यूनिट कार्य हमारा क्वांटिटी का इश्यू नहीं, हमें मोटिवेशन जागृति पैदा करें गांव के लोगों में, चाहे 10 आदमी भी आए तो भी वो गांव के लोग आकर, शहर में लोग आज एजुकेशन के माध्यम से जो अवेयरनेस आई है उसे लोग ब्लड देने के लिए खुद मोटिवेट हो चुके हैं, लेकिन गांव में ये परंपरा नहीं है। आप देखो छोटे बच्चों में है, बच्चियों में है, औरतों में, गाँव में ब्लड ही नहीं है, तो गाँव में भी जागृति पैदा करने के लिए ब्लड रक्तदान महादान है, इन चीज़ों को करने का काम विजन इंडिया कर रही है। हालांकि हर बार 1000 के आसपास 1000 से ऊपर ही हो रही है, इस बार भी उससे ऊपर ही जाएगी, लेकिन हमारी संख्या महत्व नहीं रखती जितनी जागृति महत्व है। अब की बार सर विजन इंडिया ने ऐप का लॉन्च किया जो ऑल इंडिया में आपके कहीं पर ही सदस्य ऑनलाइन ले सकते हैं, क्या है ये? विजन इंडिया ने लॉन्च नहीं किया, बॉम्बे की जो कंपनी है, कुछ मित्र लोग हैं जो जैन समाज के भी हैं, जिनको लोगों ने जुड़कर एक 20 लोग दोस्त हैं, उन्होंने एक शुरुआत कर रखी है, उन्होंने विजन इंडिया को इसके अंदर जोड़ा है। इसलिए आप हिंदुस्तान में किसी भी जगह अगर ब्लड लें तो उस ऐप पे आप केवल हमें कहेंगे तो हम विजन इंडिया का मोबाइल नंबर डालेंगे, तो स्वतः ही जहाँ ब्लड है तो उसकी डिटेल डालने पर उसको ब्लड उपलब्ध हो जाएगा। ये एक नई शुरुआत है। गाँव से कितने लोग आएंगे? गाँव से हर बार की भांति इस बार भी उत्साह की तरह होली दिवाली त्यौहार की तरह इसको मना रहे हैं धीरे धीरे, 2 अक्टूबर को और 14 अप्रैल को, आप देखना भी धीरे 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 भीड़ बढ़ रही है। विजयवर की समाज द्वारा गांधी जयंती पर पौधरोपण कर दिया पर्यावरण का संदेश, का पर्यावरण है जीवन के लिए महत्व। विजयवर्गीय समाज द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर मंगलवार को वैशाली नगर स्थित शहीद भगत सिंह उद्यान के बाहर सड़क किनारे पौधरोपण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विजयवर्गीय महिला मंडल की प्रदेश अध्यक्ष आभा गांधी ने कहा कि हमारे जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्व है, इसके साथ संरक्षण के साथ साथ अधिकाधिक पेड़ उगाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जरूरी है। कार्यक्रम संयोजक अनिता विजयवर्गीय ने बताया कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं हरियाली के लिए नीम, गुलमोह, अशोक आदि के 6 से 7 फुट के छायादार पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए गए। आज भगत सिंह उद्यान में विजयवर्गीय समाज की तरफ से श्रीमती आभा गांधी जी की तरफ से पौधारोपण किया गया, जिसमें 7 से 8 फुट के पौधे टी गार्ड सहित लगाए गए, जिससे पर्यावरण एकदम बढ़िया रहे और सुंदर वातावरण हो और सुंदर माहौल बने, और एक बहुत अच्छा गार्डन देखने को मिला मेरे को आज, शहीद भगत सिंह गार्डन, जो एकदम सुंदर गार्डन है, बहुत साफ़ सुथरा गार्डन है और एकदम हरा भरा नज़र आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अनंत कुमार विजय। अजमेर व्यापारी संघ ने गांधी भवन पर किया धरना प्रदर्शन, आयोटेड रोड के विरोध के मामले में क्या प्रदर्शन करे, जमकर नारेबाजी।
आज गांधी भवन पर अजमेर व्यापारी संघ द्वारा 1.5 घंटे का धरना प्रदर्शन किया गया। इनका कहना है कि प्रशासन और व्यापारियों की बैठक हो चुकी है, जिसमें सभी व्यापारियों को 99 साल की लीज दी जाएगी और सरकार के रिजर्व प्राइस से 40% दिया जाएगा, जबकि सभी व्यापारी लीज के पैसे देने को तैयार है। इस मांग को लेकर की लीज को जारी करके लीज के पैसे लिए जाए, साथ ही एलिवेटेड रोड को तोपदड़ा की ओर बनाया जाए, मांग की जा रही है। गांधी भवन के ऊपर 1.5 घंटे का धरना दिया है, उसकी वजह यह है जो नगर निगम की लीज की दुकानें हैं, सरकार से हमसे 2 बार वार्ता हो चुकी है, माननीय माननीय मंत्री जी कृपलानी से वार्ता हो चुकी है, कैबिनेट में बैठ भी चुके हैं, अजमेर के महापौर साहब, कमिश्नर साहब, जोधपुर के कमिश्नर साहब, जोधपुर के व्यापारी सब ने बैठ के कॉन्फ्रेंस हॉल विधानसभा मीटिंग करी है। उसमें यह तय किया गया कि सब व्यापारी को 99 साल की लीज दी जाएगी और जो रिजर्व प्राइस है सरकार का उसमें 40% व्यापारी को दिया जाएगा। ये बात 2-3 महीने पहले तय हो चुकी थी, पर लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार इतने इतने सब विकास के कार्य खोल रही है तो ये व्यापारियों के साथ ऐसे कटोराघात क्यों किया जा रहा है, जबकि हर एक व्यापारी आज लीज के पैसे देने को तैयार है। सिर्फ ये आपसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि जो लीज अवधि है इसको तुरंत प्रभाव से जारी करके व्यापारियों से पैसा लेके व्यापारी को राहत दी जाए। उसमें कई बार हम कलेक्टर साहब को, माननीय मंत्री जी को, अजमेर के सारे उच्च पदाधिकारियों से, उच्च नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक व्यापारी को कोई सुनवाई नहीं हुई है। एवं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से ये आगाह करता हूँ कि अगर चुनाव से पहले पहले ये लीज अवधि व्यापारियों से नहीं ली गई तो इसका बहुत बड़ा सरकार को भुगतान भुगतना पड़ेगा। धीरेन्द्र सिंह छावड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अजमेर व्यापार संघ। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।